अगली खबर जयपुर राजधानी से ही है। यूनिवर्सिटी में फिर डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है। आरयू के सोशियोलॉजी विभाग में परीक्षा देने आया हुआ था डमी कैंडिडेट। बीए सेकेंड ईयर का पेपर था। गांधीनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले लॉ कॉलेज में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। रोहित मीणा की जगह पर डमी कैंडिडेट बैठकर पेपर दे रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बात मौसम की करते हैं। देखिए, राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी की वजह से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। चार तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से जबरदस्त जो पारा है 45 के पार, और इस पारे के टेम्परेचर के टॉर्चर से बचने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपना रहे हैं। हलक सूख रहा है और ऐसे में जो पेयजल है, जो ठंडक देते हैं, राहत देते हैं, लस्सी, छाछ, दही, गन्ने का जूस, मैंगो शेक पीते हुए लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अपना पूरा चेहरा ढककर लोग जाहिर तौर पर दोपहर में निकल रहे हैं, और कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सुनसान सड़कें नजर आ रही हैं। दोपहर में लोग घर में दुबकने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने जैसलमेर की, जहां पर देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं पानी की किल्लत की वजह से परेशान नजर आ रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर है। ऐसे में कई शहरों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में और गर्मी बढ़ेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीजन में शुक्रवार को गर्मी पूरे शबाब पर पहुंच गई। झकझोर देने वाली लू ने हाल बेहाल कर दिया। सीजन में पहली बार एक साथ प्रदेश के 5 शहरों में दिन का तापमान 46 डिग्री से ऊपर चला गया। शुक्रवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। बाड़मेर में 46.5, धौलपुर में 46.4, फतेहपुर में 46.3, जालौर में 46.2, फलोदी में 46.0, जैसलमेर में 45.8, चूरू में 45.7, जोधपुर में 45.5 और जयपुर में 44 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 3 दिन 3 से 4 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट है। वर्तमान में राजस्थान के ऊपर एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन वायुमंडल के निचले और मध्य स्तरों में बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से पिछले 2-3 दिनों से लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मार्च अप्रैल में तापमान सामान्य से कम रहने के बाद गर्मी ने मई में तेवर दिखाना शुरू किया था। इस महीने हीट वेव का दूसरा फेज शुरू हुआ है। मई के आखिरी हफ्ते में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इस दौरान कई शहरों में दिन रात का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर जाने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और देखिए, आने वाले दिनों में गर्मी का सितम लोगों को जीना मुहाल करने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि इससे बचने के लिए कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखा जाए। आइए जानते हैं हीट वेव से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते तापमान की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया है। हालांकि गर्मी के तेवर अभी और बदलने वाले हैं। बीते दिनों भारतीय मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज गर्मी के साथ गर्म लू लोगों का जीना मुहाल कर देगी।
हीट वेव के दौरान कई तरह की समस्याएं लोगों को अपना शिकार बना लेती हैं, जिससे बचने के लिए कुछ टिप्स की मदद ली जा सकती है। जैसे पर्याप्त पानी पिए भले ही आपको प्यास ना लगी हो, हल्के रंग के ढीले और हवादार सूती कपड़े पहने, धूप में चश्मे, छाता, टोपी, जूते या चप्पल का यूज करें, यात्रा करते समय पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें, बीमार महसूस करने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, ORS, लस्सी, नींबू पानी, छाछ का यूज करें, घर को ठंडा रखें, रात में खिड़कियां खुली रखें, पंखे का उपयोग करें, बार बार ठंडे पानी से स्नान करें। उसमें मेडिसिन की ओपीडी की बात करें तो 1600 से 2000 जो पेशेंट आ रहे हैं ओपीडी में, तो सामान्य बीमारियां, मौसमी बीमारियों के साथ साथ अभी उल्टी दस्त, जी मिचलाना, सर दर्द, इन सब के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर से निकलते वक्त खाना खा के निकलें, खूब पानी पिए, अपने साथ हो सके तो एक पानी की बोतल को साथ रखें, और बूढ़े और बच्चों के लिए अपने सर पे कपड़ा लेके निकलें। आइए अब जानते हैं कि हीट वेव में हमें क्या नहीं करना चाहिए। धूप में बाहर ना निकलें, खासकर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच। तापमान ज्यादा हो तो हैवी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स से बचें। हाई प्रोटीन वाले भोजन से बचें और बासी भोजन ना करें। अगर कोई व्यक्ति लू से प्रभावित है तो उसका अच्छे तरह से ध्यान रखें। लू से प्रभावित व्यक्ति का ऐसे रखें ध्यान, व्यक्ति को किसी ठंडी जगह छाया में लिटाएं, उसे गीले कपड़े से पोंछें, शरीर को बार बार धोएं, तापमान को कम करने के लिए पानी सिर पर डालें, ORS, नींबू के शरबत का यूज करें, व्यक्ति को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाएं। बढ़ती गर्मी में शरीर बहुत जल्द ही डिहाइड्रेटेड होता है, ऐसे में हीट वेव का शिकार होने से बचने के लिए आप इस तरह की सावधानियां रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो गर्मी से बचने के लिए इन टिप्स का जरूर ध्यान रखें, और जरूरत ना हो तो दोपहर में बाहर ना निकलें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।